देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक WWE का आज हुआ मंडे नाइट रॉ नहीं देखा है तो गाइज मैं तुम लोगों को बता दूं, WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर लोगन पॉल WWE पर वापस आ चुके हैं, जहां पर आज WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर लोगन पॉल उनका प्रोमो कट करते गए। और गाइज लोगन पॉल के इस प्रोमो के अंदर लोगन पॉल WWE में उनके फ्यूचर को एड्रेस करते गए, जहां पर लोगन पॉल ये कहते गए कि रसलमनिया पर लोगन पॉल के शानदार मैच के बाद अब लोगन पॉल ने WWE के ऑफिशियल से बात की गए। और गाइज ऑफिशियल से बात करने के बाद अब लोगन पॉल ये ऑफिशियली अनाउंस करना चाहेंगे कि वो इस साल WWE के प्रेस्टीजियस मनी इन द बैंक के अंदर उतरने वाले गए। और गाइज लोगन पॉल फैंस को ये कहते गए कि इस साल वो WWE के मनी इन द बैंक को जीत के जब चाहेंगे तब वर्ल्ड चैंपियन बन सकते गए। बट गाइज यहां पर पॉल का ये प्रोमो चल ही रहा होता है तभी यहां पर रिकोसेड एलन नाइट शिंसुके नाकामुरा बुश सहित WWE के मनी इन द बैंक के सभी कंटेंडर अरीना में अराइव हो जाते गए। और गाइज इसके बाद मनी इन द बैंक के सभी कंटेंडर्स के बीच में मनी इन द बैंक को जीतने को लेकर आर्गुमेंट होती गए, जहां पर इस आर्गुमेंट के एंडिंग के ऊपर हमें इन सभी के बीच में एक बड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है। और गाइज इस पूरे ब्रॉल के एंडिंग के ऊपर लोगन पॉल एक बार फिर से लैडर पे चढ़ के WWE के मनी इन द बैंक को उतार लेते गए। और गाइज पॉल ये क्लियर कर देते गए कि वो कुछ भी हो जाए इस साल मनी इन द बैंक को